जी वेलकम टू तारक देरी ऑफिशियल चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ये बेसिकली जो वीडियो है वो है काउ लिफ्टर के बारे में। काउ लिफ्टर का स्ट्रक्चर वगैरह आज मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा बताया था। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो काइंडली जाके तारक डेयरी फार्म साहिवाल इस चैनल पर जाकर वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। काउ लिफ्टर के नाम से वो वीडियो आ रही है। तो आज हम इस काउ लिफ्टर के साथ एक गाय को आपको खड़ा करके दिखाएंगे। पहले मैं अपनी टीम से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये हमारे वेट मैनेजर हैं डॉक्टर अदील साहब, ये हमारे फार्म में ओनर हैं माज चौधरी साहब, और वो हमारे सुपरवाइज़र हैं नदीम अहमद, और ये हमारे हेल्पर हैं वर्कर हैं फार्म पे मोहम्मद नवाज है इनका नाम। तो ये हमारी टीम है। तो आज हम आपको एक ऐसी गाय पे इसको यूज़ करके दिखाएंगे जो शायद में थोड़ी उसको स्लिप हो गई थी और उसका थोड़ा सा यहाँ पे इंजरी हो गई थी। तो गाय जो है वो खड़ी नहीं हो सकती खुद ब खुद। तो आज हम इस काउ लिफ्टर को इस्तेमाल करके इस गाय को आपको खड़ा करके दिखाएंगे, इसका प्रॉपर यूज़ बताएंगे, कैसे कैसे यूज़ होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कितने बंदे इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर कितनी हमें फोर्स लगानी पड़ती है, वो आज सारा हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास हिप लिफ्टर है, ये हम इसकी हिप बोन के ऊपर फिक्स करेंगे। ये अभी आप करके दिखाते हैं। ये इस तरह इसको खोला है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। तो आपने इसको इतना टाइट करना है कि ये एनिमल जो है इसके अंदर से फिसल कर नीचे ना गिरे, नहीं तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने इसको अच्छी तरह इसके ऊपर फर्मली टाइट करना है, और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस चेन के अंदर डाल के इसको उठाने की कोशिश करते हैं। ये अभी टाइट कर रहे हैं डॉक्टर देव साहब। तो अभी हम इसका आपको यूज दिखाते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, आपको अगर ये चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक नंबर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ये अभी हम इसमें चेन डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठाएंगे, और उसके बाद ये बेल्ट जो है ये हम इसके थोरैसिक रीजन के ऊपर डालेंगे। तो आपको ये पूरा काम करना है। ये हमने चेन डाल दी है, अभी हम इसको उठाएंगे। ये डॉक्टर साहब उठा रहे, देखो एक हाथ की फोर्स से पूरी गाय उठ रही है, हम बाकी सारे फ्री होकर खड़े हुए हैं, एक बंदा जो है वो गाय को उठा रहा है। अभी ये नवाज जो है ये नीचे से बेल्ट को गिरेगा, जिससे हम फ्रंट जो इसका पार्ट है या जो बॉडी का अगला हिस्सा है उसको उठाने की कोशिश करेंगे। चलें ये बेल्ट उठा, बेल्ट गुजार दिया। अभी इसको हम आगे वाला ऐसा भी उठता है, पीछे वाला ऐसा भी उठता है। गाय जो है वो मुकम्मल खड़ी हो गई है, अभी हो जाती है आपके सामने। जैसे ही अभी आपके सामने गाय खड़ी हो गई है, ये हिप लिफ्टर है, ये फ्रंट वाला बेल्ट है। तो गाय आपके सामने खड़ी की है, एक डॉक्टर साहब खड़े हैं इधर, एक बंदा खड़ा हुआ है नदीम। तो इन दोनों ने एक हाथ से इसको घुमाया है और पूरी गाय को खड़ा कर दिया है। हमने इसमें कोई हिस्सा नहीं डाला, कोई बंदे इकट्ठे नहीं किए। जैसा शुरू में ट्रेडिशनल वे होता था कि हम बांस ढूंढते थे या पाइप ढूंढते थे, तो 70 बंदा मिला होता था और एक गाय को खड़ा कर रहे थे, तो वो सारा सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम इसको आस्ता आस्ता ख़त्म करके दिखाए। अब ये देखें, इस हिप लिफ्टर का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जब हम बेल्ट डालते थे या पाइप वगैरह डालते थे तो यहाँ पे प्रेशर रहता था एनिमल के, और उससे क्या होता था, एनिमल को बहुत ज़्यादा पेन होती थी, और पेन होने की वजह से एनिमल जो था वो तंग हो जाता था, और अक्सर ये इस वजह से एनिमल जो था वो बाद में ऑफिट भी हो जाता था। लेकिन अब ये होता है कि हम इसको हिप लिफ्टर से उठाते हैं, एनिमल के इंटेस्टाइन के ऊपर, उसके एब्डोमिनल रीजन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, एनिमल नॉर्मल वे से खड़ा हुआ है। अब हम इसको खोल के दिखाते हैं और आपको गाय खड़ी हुई दिखाते हैं। चलिए जी खोले।
अभी ये बेल्ट निकल गया, अभी एकलिफ्टर उतारते हैं और फिर इस क्रश को हम फेंक लेंगे और बैग जो है वो खड़ी रहेगी। इसको खेच लें क्रश को, चले आराम से आराम से आराम से बैठ लें। ये एक गाय आपके सामने खड़ी हुई है, अब ये अपनी मर्जी से जब तक खड़ी रहना चाहे खड़ी रहे, उसके बाद बैठ जाए तो इसको हम इंशाल्लाह कल शुरू उठा लेंगे। तो ये देखिए आपके सामने खड़ी हुई है, इसको दो बंदों ने उठा दिया है, एक बंदा भी उठा सकता है, लेकिन वो ये है कि हम अगर इसको प्रॉपर इसका वेट उठाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, एक बंदे को पीछे खड़ा कर देते हैं, एक को आगे खड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए गाय आपके सामने खड़ी हुई है, मूव कर रही है, ये इंजर्ड गाय थी, बेसिकली डाउनर हो गई थी मसल्स के ऊपर, इसके ऊपर जो क्या होता प्रेशर पड़ा हुआ था, तो अब ये गाय ठीक है। तो आप अगर इस की स्ट्रक्चर के बारे में या इसकी बनावट के बारे में देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो लाजमी देखें, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अगर आप ये मशीन बनवाना चाहते हैं या इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मौजूद है, मेरा भी नंबर मौजूद है, वाह साहब का नंबर भी मौजूद है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस मशीन के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।